राधा कुंभ श्याम कुंभ गिरवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री मायापुर धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री राधा राधिकावन भगवान की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय नरसिंहदेव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय गौरीताई भगवान की जय श्रीमदभागवतम की जय वैष्णविंद की जय ताई गौर प्रेमानंदे गौर गौर हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ उनकी कृपा से जीव भौतिक कलेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्रार कर सकता है मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं हे hey गुरुदेव करुणा सिंधु तथा आत्माओं के मित्र आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है हे hey गुरुदेव मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है जगत गुरु शील प्रभु पाद की जय हरे कृष्णा तो आज बहुत ही विशेष अवसर है क्योंकि पंच तत्व के एक सदस्य शिला श्रीवास पंडित का आज आविर्भाव तिथि है हम रोज बोलते हैं श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवास आदि श्रीवास आदि का मतलब क्या होता है बिगनिंग शिवास आदि गौर भक्त वृंद तो जितने भी महाप्रभु के भक्त वृंद हैं उनमें आदि और फोरमोस्ट कौन है शिवास ठाकुर तो उनके जीवन चरित्र से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे लेकिन पहले एक वैष्णव भजन गाएंगे और फिर जितना संभव है उतना चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्री श्री राधिका रमन जो की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो की जाए श्री <coughs> श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जाए मानस देह गेह जो की छुमो अर पिलू तुआ पदे नंद किशोर संपदी पदे जीवने मर सम्पदेवीपदे जीवने मरणे दायमं गु ओपदवर दायमम मारो बिरा जो इच्छा तो नित्य दास प्रति तुआ अधिकारित जन्म बी मोर इच्छा यदि तोर जन्म वि भक्त गृह जाने जन्म हो मोर भक्त कीट जन्म हो य दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाहिया भक्ति मुक्ति स्त्रीहा विहीना जक्ता भक्ति मुक्ति लबाई ता को संग अनुर क जननी गैता तन जनकज प्रभु गुरुपति दु सर्वमय भक्ति विनोद कहे सुनो कान

अर्पलु तुपदे नन्द किशो मा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोतर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदान स्वामी शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोतर शत श्रीमत श्री भक्ति सिद्धांश ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री मथुरा धाम की जय श्री नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय ंदी ऑल गोरीज टू दी असेंबल डिवोटीज़ ऑल गोरीज टू डिवोटीज़ ऑल श्री गुरु एन गौरा गौ क्योंकि आज शिला श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव तिथि महोत्सव है उनके बारे में बहुत ही विस्तार से विवरण है चैतन्य भागवत में और चेतन चरितमित में भी लेकिन समय की सीमा है और जो ये कैरेक्टर है जो पात्र है श्री शिवास पंडित का ये इतना विशेष है कि महाप्रभु ने अपनी सारी प्रमुख नवदीप की लीलाएं उन्हीं के घर में की उन्हीं के स्थान में की तो देखते हैं कितना हम वर्णन कर पाएंगे आप सबके आशीर्वाद की कामना करता हूँ याचना करता हूँ जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा शिला वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि बोली बो श्रीवासेरा उदार चरित्र धूली संसार पवित्र और शिवास ठाकुर जी के दो प्रणाम मंत्र मुझे प्रामाणिक सूत्रों से मिले हुँ? मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ वहीं से शुरुआत करूंगा इतना विशेष चरित्र है कि वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि उनके चरित्र का वर्णन करने से या उनकी चरण की धूलि का एक कण भी प्राप्त होने से क्या होता है व्यक्ति पवित्र नहीं होगा क्या होगा पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड पवित्र होगा तो शिला शिवास ठाकुर के दो प्रणाम मंत्र जो मैंने वैष्णवों से सुनी एक तो शिला प्रभुदान महाराज से उन्होंने कहा आश्रयामी श्री श्रीवासम तमाम अद्यम पंडितमुदा शुक्लांबर धरन गौरा भक्ति प्रदायकम तो मैं किसका आश्रय लेता हूं आश्रया श्री श्रीवासम तम चला श्रीवास ठाकुर का मैं आश्रय लेता हूं क्यों क्योंकि वो कौन है तवाम आद्यम पंडितम मुदा अभी हमने कहा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद लेकिन विशेष रूप से अगर हम देखें तो जितने भी पंडित हैं यानी कि जितने भी टीचर हैं जितने भी स्कॉलर हैं उसमें श्रीवास फर्स्ट हैं कैसे कौन बता सकता है कैसे श्रीवास पंडित फर्स्ट हैं उनसे पूर्व तो और भी बहुत से लोगों का आविर्भाव हुआ चेतन लीला में लेकिन क्यों उनके प्रणाम मंत्र में आ रहा है कि त्वाम आद्यम पंडितम मुदा आप फर्स्ट हैं क्योंकि वास्तव में जितने भी टीचर हैं उन टीचरों के प्रमुख कौन है इस आसन को क्या बोलते हैं व्यास आसन। तो टीचर का मतलब क्या है जो व्यासदेव को रिप्रेजेंट करते हैं और व्यासदेव को शिक्षा किसने दी नारद मुनि तो श्रीवास कौन है नारद मुनि इसलिए वो क्या है आद्यम पंडितम मुदा वो फर्स्ट टीचर है जिन्होंने जो टीचरों के टीचर है उनको टीचिंग दी यानी व्यासदेव को टीचिंग दी और फिर लेकिन देखिए नारद मुनि तो क्या है नारद मुनि तो सन्यासी हैं और क्या करते हैं सबको ब्रह्मचारी बना देते हैं आपने भागवतम में पढ़ा ना दक्ष के कितने पुत्र थे हाँ कई हजार दस हजार से ज्यादा पुत्र थे हाँ उनको एक बार में एक बॉच एक बैच प्रोसेस करते हैं देखिए कितने पावरफुल पिक्चर है <laughs> एक साथ दस हजार ब्रह्मचारी बनाते हैं मेरे ख्याल तो ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है टूटा क्या मुरली कृष्ण प्रभु हमारे यूथ पिक्चर है हाँ, एक इंस्टेंस में दस हजार ब्रह्मचारी एक बैच दस हजार ब्रह्मचारी का हाँ? लेकिन वो ब्रह्मचारी का या सन्यासी का रोल नहीं ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं शुक्लांबर धरा वो क्या पहन रहे हैं शुक्लांबर का मतलब है श्वेत वस्त्र पहन रहे हैं श्वेत वस्त्र कौन पहनता है अभी यहां पे बैठे हुए हैं ना कुछ पीले हैं कई बार बाहर से भक्त आते हैं वो पूछते हैं ये भाई ड्रेस कोड बताओ आपके यहाँ क्या है हाँ कुछ हमें व्हाइट दिखते हैं कुछ रेड दिखते हैं और कुछ नॉन व्हाइट और नॉन रेड भी दिखते हैं <laughs> ये क्या है ये ड्रेस कोड क्या है <laughs> तो क्या धारण किए हैं शुक्लांबर शुक्लांबर का मतलब क्या है वाइट व्हाइट कौन पहनता है ग्रस्त तो जो सन्यासी हैं वो क्या बन के आए हैं यहाँ पे गृहस्थ क्योंकि तो बहुत विशेष प्रयोजन है महाप्रभु का एक एक भक्त एक एक महाप्रभु का प्रयोजन सिद्ध करता है क्या है कि हरिदास द्वारा नाम महात्मा प्रकाश सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास श्री रूप द्वारा ब्रज भक्ति विलास तो इस प्रकार से हर अनेक परिकर से अलग अलग कार्य कराते हैं महाप्रभु तो शिवास पंडित से भी एक बहुत विशेष कार्य है जिसके बारे में स्वयं महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं श्रीवास ठाकुर के स्थान पे कि आपके चरित्र से जितने गृहस्थ हैं उनको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए वो प्रयोजन सिद्ध किया नारद मुनि ने लीला में श्रीवास बनकर के तो वो क्या करते हैं शुक्लांबर धर और गौर भक्ति प्रदायकम जो नारद मुनि के पास किसकी शक्ति है वो किसके शक्त्यावेश अवतार हैं भक्ति शक्ति के तो इस अवतार में वो क्या प्रदान कर रहे हैं गौर भक्ति प्रदायकम और श्रीवास पंडितम नौमी गौरंग प्रिय पार्षद कृपा लवन गौरंग जायते तेरती तो अगर श्रीवास पंडित के प्रति अगर उनकी जरा भी कृपा हमें मिले यस्य कृपा लवन अपी लवन समझते हैं ना लव मात्र हा? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो तो वो सिद्धि क्या है गौरंग जायते रति चेतन महाप्रभु के प्रति क्या हो जाएगा रति हम क्या कहते हैं जब गाते हैं शिक्षा कम कि रतीना जन क्या हाँ रतिना जन्मिलक नहीं और जो नाम है उसके प्रति हमारा कोई दुर्देवम ये ना जन अनुराग ना जन अनुराग तो जो अनुराग नहीं उत्पन्न हो रहा है वो अनुराग उत्पन्न करने के लिए हमें किसका आश्रय लेना पड़ेगा हाँ श्रीवास पंडित का यस्य कृपा लवन अपी गौरांग जाय तो मैं चेतन चरितम में शिल प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है उनका दिव्य चरित्र तो वहाँ से शुरुआत करके और उनके जो लीलाएँ हैं उसमें से कुछ जो प्रमुख लीलाएँ जिससे हमें बहुत विशेष शिक्षा मिलती हैं उनका वर्णन करने का प्रयास करूँगा ओ मज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानान्जना शलाकाय चक्षुरूनमिलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाति स्वपदांतिकं वन्दे हम श्री गुरु ून् वैष्णवांशाग्र सहगण रघुनाथ सजीव सावधूतम परिजन सहित कृष्ण श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्वित हे कृष्ण करुणा दीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त ताप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पश्चात पाशातारिणे चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय दस अध्याय का नाम है चेतन वृक्ष के स्कंद शाखाएं तथा उपशाखाएं जानते हैं जब भी किसी वैष्णव का आविर्भाव या तिरुभाव होता है तो हम उनका गुणगान कहाँ से करते हैं इसी चैप्टर से करते हैं और इस चैप्टर में जो पहली शाखा का वर्णन है जो पहली पहली दो शाखा का वर्णन है वो श्री श्रीवास पंडित और उनके भाई श्री राम पंडित यहीं से चैतन्य वृक्ष का शुरुआत है ये प्यार संख्या आठ है हम हाँ देख सकते हैं दोहराएंगे क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत ही विशेष प्रसंग है इतने विशेष प्रसंग हैं श्री श्रीवास पंडित के जीवन से कि बहुत अद्भुत कृष्ण प्रभु बोलते हैं कि जब भी हम महाप्रभु के पार्षदों के बारे में सुनते हैं तो हमें दो आई होते हैं अभी तो आई आई करते रहते हैं ना <laughs> वो आई क्या है वो इंपॉर्टेंट आई है पहला है इंस्पिरेशन और दूसरा है इंस्ट्रक्शंस श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगत विदित आप <coughs> दिखा सकते हैं बोर्ड पे दोहराएंगे नहीं श्रीवास पंडित तथा श्री राम पंडित इन दोनों भाइयों से दो शाखाएं प्रारंभ हुई फर्स्ट सबसे पहले जो चेतन महाप्रभु का वृक्ष है उसमें श्रीवास पंडित और उनके भ्राता श्रीराम पंडित जो संसार में सर्वविदित है गौर गणोदेश दीपिका श्लोक नब्बे में शिवास पंडित शिवास ठाकुर को नारद मुनि और उनके छोटे भाई श्रीराम पंडित को नारद मुनि के घनिष्ठ मित्र पर्वत मुनि का अवतार बनाया गया है तो यानी कि नारद मुनि ही अवतरित नहीं हुए उनके साथ और कौन अवतरित हो रहे हैं पर्वत मुनि जो उनके घनिष्ठ मित्र हैं तो दो भाई के रूप में कौन से दो भाई शिवास पंडित और श्रीराम पंडित शिवास पंडित की पत्नी मालिनी को कृष्ण की धाय अंबिका का अवतार माना जाता है तो ये केवल दो मेंबर नहीं है ना? उनके साथ जो शिवास पंडित की भारिया है कौन है मालिनी देवी वो मालिनी देवी का कृष्ण लीला में क्या स्वरूप है वो अंबिका है अंबिका है ना अंबिका और किलिम्बिका किलिंबिका भी आएंगी अभी तो अंबिका कौन है कृष्ण की धाय है धाय का मतलब समझते हैं ना जो बच्चे को रखती है और बच्चों को अपना स्तनपान भी कराती है अब तो वो सिस्टम खत्म हो गया अब तो मदर ही नहीं कराती है तो धाय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता लेकिन कृष्ण के समय में था कृष्ण लीला के समय में ये अवसर था तो जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाया था और जैसा कि पहले बताया जा चुका है श्री चेतन भागवत के लेखक ठाकुर वृंदावन दास की माता नारायणी जो श्रीवास पंडित की भतीजी है तो देखिए परिवार देखिए हाँ इस परिवार में जो एक एक मेंबर्स हैं उनकी कृष्ण लीला में भूमिका देखिए तो जो श्रीवास पंडित हैं उनकी भतीजी हैं कौन सुन रहे हैं आप लोग हाँ नारायणी देवी और नारायणी देवी कौन है वो माता है किनके श्री वृंदावन दास ठाकुर की और वृंदावन दास ठाकुर कौन है व्यास है व्यास है तो व्यास भी उपस्थित है और नारद भी उपस्थित है केवल व्यास देव और नारद मुनि ही नहीं है उनके साथ पर्वत मुनि भी हैं और अंबिका और किलिम्बिका भी हैं तो श्री चेतन भागवत के लेखक ठाकुर वृंदावन दास की माता नारायणी जो श्रीवास पंडित की भतीजी थी कृष्ण लीला में अंबिका की बहन थी क्या नाम था उनका किलिम्बिका श्री चेतन भागवत से पता चलता है महाप्रभु के द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीवास पंडित ने विरहावश नवदीप छोड़ दिया क्योंकि जो लीलाएँ महाप्रभु ने शिवास आंगन में की यानी शिवास जी के घर में की वो लीलाएँ इतनी विशेष थी कि उनका विरह में वो अब नवदीप में स्थित नहीं रह सके जिस प्रकार से कृष्ण ने जब वृंदावन को त्याग दिया तो फिर क्या हुआ उनके विरहा में सारे जितने भी ब्रजवासी हैं कितनी असीम पीड़ा हुई तो वही पीड़ा का जो व्यवहार है वो शिवास पंडित के जीवन में देखते हैं और वे कुमारहट में रहने लगे ठीक है तो यहाँ से कुछ पता चला उनके जीवन के बारे में कि नवदीप के समय जब महाप्रभु नवदीप लीला कर रहे थे हाँ नवदीप में महाप्रभु की दो विशेष लीलाएं हैं कौन कौन सी विद्यारा विलास और संकीर्तन विलास तो जो संकीर्तन की लीला है वो सबसे विशेष लीला है हम महाप्रभु का कौन सा रूप का अर्चन करते हैं पूजन करते हैं कौन से रूप का हाँ संकीर्तन हाँ गौर सुंदर जो संकीर्तन लीला करते हैं संकीर्तन विलास करते हैं तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि श्रीवास पंडित इतने विशेष हैं क्योंकि उनके घर में जो लीलाएं की वो लीलाएं उसी प्रकार से हैं कि जिस प्रकार से भगवान का जन्म तो कहाँ हुआ कृष्ण लीला में उनका जन्म कहाँ हुआ मथुरा में हाँ वासुदेव और देवकी के यहाँ लेकिन उनका सारा जो प्लेग्राउंड था हाँ जो कीड़ा स्थल था वो क्या था ब्रज था हु? कृष्णावतार ये ना वासुदेव घरे यते कविहार सब नंदेरा मंदिरे तो जिस प्रकार से नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण सारी क्रीड़ाएं की उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जन्म तो कहाँ हुआ योगपीठ में जगन्नाथ और सची देवी के यहाँ लेकिन उनका जो मुख्य जो लीला स्थली थी महाप्रभु की लीला स्थली क्या है शिवासांगन आगे बोलते हैं जगन्नाथ घरे होता श्रीवास पंडित ग्रह यते का विहार सर्व वैष्णव प्रिया पंडित श्रीवास तारा बाड़ी गेला मात्र सबरा उल्लास तो सारे जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं उन सबका जो मीटिंग पॉइंट है हा, जो मीटिंग प्लेस है क्या बोलते हैं उसको अड्डा अड्डा महाप्रभु के प्रकट होने से पूर्व ही जो अड्डा था वो क्या था वो शिवास आंगन था तो देखिए थोड़ा बताते हैं कि शिवास ठाकुर का आविर्भाव महाप्रभु के आविर्भाव से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ किसको पता है कितने वर्ष पूर्व हुआ महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व में इनका आविर्भाव हुआ किन लोगों का आविर्भाव पूर्व में हुआ ऑब्वियसली जगन्नाथ मिश्र और सचिदेवी का हुआ और किसका हुआ अद्वैत आचार्य का अद्वैताचार्य का कितने वर्ष पूर्व हुआ बावन वर्ष पूर्व बावन वर्ष पूर्व और शिवाज ठाकुर का आविर्भाव कितने वर्ष पूर्व हुआ तीस थर्टी ईयर्स थर्टी ईयर्स पूर्व यानी कि वो समकालीन है किसके उनके पिता के श्री जगन्नाथ मिश्र के लेकिन इनका आविर्भाव नवद्वीप में नहीं हुआ इनका आविर्भाव कहां पे होता है सिलहट सिलहट या श्रीहट जो कि बांग्लादेश में है श्रीहट बहुत ही विशेष स्थान है वहां से देखिए बिल्कुल जगन्नाथ मिश्र का भी आविर्भाव का जो स्थान है वो सिलहट है तो कितनी समानता है और एक और महाप्रभु के बहुत विशेष पार्षद हैं जिनका आविर्भाव स्थान सिलहट है कौन श्री मुरारी गुप्त मुरारी गुप्त का भी हम मिले थे मुरारी गुप्त के स्थान पर मिले थे नवदीप में <laughs> तो वो भी सिलहट से थे और जब केवल बारह वर्ष के थे श्री शिवास ठाकुर तब उनके जो पिता हैं श्री जलधर पंडित बहुत ही विशेष वैदिक ब्राह्मण है जलधर पंडित और जिस स्थान पे वो थे सिलहट में वहां को कहा जाता है उस स्थान को बोला पंचखांडा पंचखांडा स्थान है वहां पे जो वैदिक ब्राह्मण थे उन पांच विशेष परिवारों में श्री श्री राधिका रमन जी की जाए श्री श्री कृष्ण बलराम की जाए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जाए तो वहाँ से उनके पांच पुत्र थे अभी हमने दो के बारे में वर्णन किया कौन कौन थे श्रीवास और श्री राम लेकिन जलधर पंडित के पांच पुत्र हैं सबसे बड़े हैं श्री लनिल पंडित लनिल पंडित जी का विवाह होता है लेकिन विवाह के उपरांत ही उनका देहांत हो जाता है और ननिन की जी की जो पुत्री हैं उन्हीं का नाम नारायणी है वो सबसे बड़े थे लेकिन वो जीवित नहीं रहे और उस समय केवल 12 वर्ष की आयु थी श्रीवास पंडित की तो ऐसे समय में श्री जलधर पंडित अपने परिवार को लेकर सिलहट छोड़ के कहाँ जाते हैं नवदीप तो कितने वर्ष पूर्व महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व वो नवदीप आ गए अठारह वर्ष पूर्व महाप्रभु के आविर्भाव के 18 वर्ष पूर्व और किस स्थान पे उन्होंने अपना स्थान लिया श्रीवास आंगन जो अभी है उस स्थान को जरा उसकी लोकेशन देखिए महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व नवदीप में कौन उन्हें पुकार रहा था अद्वैताचार्य शिव अद्वैताचार तो अगर आप श्रीवास आंगन देखेंगे और अद्वैत भवन नवदीप में देखेंगे तो कितना डिस्टेंस है पचास मीटर का पचास मीटर का और योग पीठ कितना डिस्टेंस है दो सौ मीटर दो सौ मीटर इतना स्ट्रैटेजिक शिवास आंगन इतना स्ट्रैटेजिक है और वहीं पे अगर आप शिवास आंगन में भी जाएंगे ना तो अद्वैत भवन भी है और गदाधर आंगन भी है यानी महाप्रभु के सारे पार्षद कहां हैं? हाँ, बिल्कुल ये जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि जो हब है पूरा वृंदावन का जो हब है वो क्या है और राधा दामोदर मंदिर है इसी प्रकार से आप पूरा हब देखिए नवदीप का जो हब है वो क्या है शिवासांगन क्योंकि 200 मीटर पे क्या है महाप्रयोग पीठ महाप्रभु का जन्म स्थान पचास मीटर पे कौन सा स्थान है अद्वैत भवन शांतिपुर में भी अद्वैत भवन है लेकिन शांतिपुर शान्ति, से पूर्वी अद्वैताचार्य जहां तुलसी दल अर्पित कर रहे थे और महाप्रभु का आह्वान कर रहे थे हुंकार कर रहे थे वो स्थान कहाँ है केवल पचास मीटर है शिवा सांगन से और वहीं गदाधर का भी निवास हुआ तो सारे पंच तत्व ही क्या पंच तत्व आत्मकम कृष्णा भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्त आख्यम तो जो भक्त आख्यम है वो कौन है शिवासन नमामि भक्त शक्ति कम तो इस प्रकार से इनका नवदीप में आगमन होता है तो 18 वर्ष पूर्व आ गए तो 18 साल क्या करें क्या कर रहे थे ये पुकार रहे थे किसको पुकार रहे थे महाप्रभु को पुकार रहे थे। महाप्रभु बोलते हैं कि तोरा उच्च संकीर्तने नाडारे होंकार छाड़ी आई नौ सर्व परिवार महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास ठाकुर को कि आपके उच्च स्वर का किया गया कीर्तन देखिए क्यों महाप्रभु ने जो अपनी संकीर्तन स्थली है यानी रास स्थली है वो सांगन को ही नियोजित किया किसी और स्थान को नहीं किया योगपीठ को नहीं किया किसी और स्थान को क्यों नहीं किया तो महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं क्यों क्योंकि मेरे आने के 18 साल पूर्व से ही आप क्या कर रहे हो उच्च संकीर्तन है आप उच्च स्तर पर संकीर्तन कर रहे हो और वहीं पे तुलसी दल मात्रे ना जले ना चुलुके तुलसी दल का आवाहन कौन कर रहे हैं अद्वैताचार्य है तो दोनों की पोटेंसी कंबाइंड है किसको अवतरित करने में हा महाप्रभु को अवतरित करने में तो 18 वर्षों तक निरंतर उस स्थान पे कीर्तन होता है और कीर्तन कौन करते हैं ये चारों भाई तो महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व ये चारों भाई जो हैं देखिए दो भाई और हैं आगे पढ़ता हूं फिर हम उनके बारे में चर्चा करते हैं तो ये दो भाई हो गए जो सबसे बड़े ब्रदर थे नलिन उनका तो क्या हो गया ही पास रवे उनका देहांत हो गया लेकिन इनके अलावा इनके दो अनुज और हैं श्री नेक्स्ट पे यार देख सकते हैं श्रीपति श्रीनिधि तारा दुई सहोदरा चारी भाई दास दासी ग्रह परिकर इनके अन्य दो भाइयों का नाम श्रीपति तथा श्रीनिधि है इन चारों भाइयों और नौकरों तथा नौकरानियों की एक बृहद शाखा माना जाता है तो ये चार भाई हो गए और ये चारों भाई कहाँ आ गए ये चारों भाई आ गए नवदीप तो नवदीप में ये चारों उपस्थित हैं महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व ही कितने वर्ष पूर्व अठारह वर्ष पूर्व और क्या करते हैं ये जो कार्य करते हैं उसके बारे में वर्णन किया है श्रीलदावनदास ठाकुर ने बोलते हैं सर्वकालचारी चारी भाई गाय कृष्ण नाम त्रिकाल करे कृष्ण पूजा गंगा स्नान तो इन भाइयों का इन चारों भाइयों का क्या कार्य था कि त्रिकाल त्रिकाल कहते हैं ना ध्यान यशस्त त्रिसंध्या क्या होती है मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग तो चार ही भाई गाय कृष्ण नाम तो तीनों संध्या में उच्च स्तर में क्या करते हैं नाम संकीर्तन करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो ना सिर्फ नाम संकीर्तन करते हैं कृष्ण पूजा कृष्ण की अर्चन और वंदन करते हैं और तीनों समय गंगा स्नान भी करते हैं यानी वास्तव में क्या है कुलीन ब्राह्मण है ब्राह्मण का सबसे प्रमुख गुण क्या है कि ही इज वेरी क्लीन हाँ तो तीन बार गंगा स्नान करते हैं और उनका जो आंगन है आपने देखा है उसमें बहुत गार्डन्स हैं अब मुझे तो कई वर्षों से सौभाग्य मिल रहा है मैं शिवास आंगन में ही रह रहा हूँ मेरी रेसिडेंसी वहीं है बड़ी कृपा है समाव स्थान है कोई बहुत विकसित नहीं है लेकिन बहुत विशेष है तो वहाँ पे कई गार्डन्स हैं आप देखेंगे ना साइड में जब आप अद्वैत भवन की तरफ जाएंगे तो गार्डन है महाराज जो वहाँ पे है वसंतगिरी महाराज उन्होंने बहुत सुंदर उसको बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है आप सोचिए जिस समय श्रीवास ठाकुर थे उस समय वो कितना डेवलप था और उनके उस गार्डन में एक बहुत विशेष वृक्ष भी था एक ऐसा वृक्ष था जिसमें रोज इतने फूल होते थे क्योंकि सारे वैष्णव उस स्थान पर आते थे क्योंकि नवदीप में वही स्थान था जहाँ अद्वैताचार्य श्रीमद भागवतम की कक्षाएं देते थे तो सारे वैष्णव कहाँ आते थे अद्वैताचार्य को सुनने के लिए और वहीं पे नाम संकीर्तन भी होता था और सारे वैष्णवों को अपनी पूजा अर्चना करने के लिए क्या चाहिए सुंदर पुष्प चाहिए तो पुष्प को प्राप्त करने का भी जो स्थान था वो क्या है वो शिवासांगन है बहुत सुंदर प्यार है एक कुंड गाछा कुंडा छे शिवा अवतारे तो ये जो वृक्ष है साधारण वृक्ष नहीं था ना कहने को तो कुंडा का वृक्ष था अब तो सुना नहीं कुंडा का वृक्ष सुना <laughs> कुंडा के फल <सक्ति> पता नहीं क्या है लेकिन बहुत विशेष तो यह क्या था कल्प तरु का अवतार था कल्प वृक्ष का अवतार था हाँ कल्प वृक्ष कौन है कल्प वृक्ष का मूल कौन है अभी श्रीपाद माधुवेन्द्रपुरी का आविर्भाव था तो जो हा गोलोक में कल्प वृक्ष है उसके मूल कौन है श्रीपाद माधुवेन्द्रपुरी और माधवेंद्रपुरी क्या देते हैं कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम का जो पहला अंकुर है वो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से प्रज्वलित होता है स्पुरित होता है तो वही जो प्रेम अंकुर है उसका जो वृक्ष है उसका रोपण कहाँ पे है शिवा सांगन में और वहां से कितने फूल प्राप्त होते हैं वैष्णव को वो जितना चाहें कल्प वृक्ष आज जितने सारे फूल आज तोड़ के ले जाते हैं और कल आते हैं तो क्या देखते हैं वो वृक्ष पूरा सा भर गया है तो ऐसा विशेष स्थान है और यहाँ दिन रात संकीर्तन होता है तो जब संकीर्तन होता है जहाँ भी संकीर्तन होता है तो वहाँ पे क्या होता है बड़ा विरोध भी होता है विरोध होता है क्योंकि नवदीप की जो स्थिति थी उस समय जैसा वर्णन किया जाता है शास्त्रों में नवदीप सबसे प्रमुख विद्या का स्थान था काशी से भी ऊपर था उस समय क्योंकि काशी के भी जो ब्राह्मण है काशी के भी ब्राह्मण और कांची के भी ब्राह्मण वो अध्ययन करने के लिए कहाँ आते थे नवदीप आते थे तो वहां पे जो वैदिक विधि विधान है रिचुअल्स उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था तो जो ब्राह्मण थे वो सब क्या थे स्मार्थ थे वैष्णव नहीं थे और बंगाल में आप जानते हैं कि ज्यादातर जो फॉलोअर्स हैं वो क्या है वो सब शाक्त हैं देवी की उपासना करते हैं शक्ति की उपासना करते हैं हाँ, शक्तिमान की उपासना नहीं करते शक्ति की उपासना करते हैं या शैव है तो ये जितने ब्राह्मण लोग थे शिवास के आसपास के वो सब बहुत ही क्या होते थे उससे हाँ कुंठित होते थे फ्रस्ट्रेट होते थे एनवियस थे और बहुत विरोध करते थे लेकिन ये लगातार निरंतर कीर्तन करते थे और इन्हें कई बार डराने का प्रयास भी करते थे तो आप लीला देखें आप शिवास आंगन आप में से कितने लोग गए सब लोग नहीं गए दो भी नवदीप जाएगा तो शिवास आंगन योग पीठ और शिवास आंगन जाना तो अनिवार्य है तो शिवास आंगन के आसपास अगर आप देखेंगे ना तो वहां पे बहुत सारे मॉस्क है मॉस्क क्या बोलेंगे हाँ मस्जिद है हम जब वहां रहते थे तो तीन मस्जिद सराउंडिंग में है तीनों तरफ से मस्जिदें हैं और जोर जोर से आजान करते तो सब लोग मतलब आप देखिए ऐसी स्थिति में वो रहते थे, थे कि महाप्रभु का भी आविर्भाव किस स्थान पे हुआ क्योंकि उन्होंने क्या किया हाँ परित्राण आय साधु नाम परित्राण आय चा दुष्कृताम एक भक्त बहुत सुंदर बोल रहे थे कृष्ण कहते हैं लीला में क्या हुआ कि परित्रण आय साधु नाम हाँ और विनाश आये चाह दुष्कृताम लेकिन महाप्रभु की लीला में विनाश तो है ही नहीं <laughs> <laughs> क्या है हा परित्राण आय दुष्कृताम है तो जितने दुष्कृत हैं उन सबका भी परित्राण करना है और उन सबका परित्राण करने का भी जो प्रसंग है वो कहां से शुरू होता है शिवराज ठाकुर से क्योंकि वहां पे एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गोपाल चपल। सुना है आपने गोपाल चपल का नाम हाँ वो इतना द्वेष करता था और वो रिश्ते में चेतन महाप्रभु के मामा लगते हैं। उनका संबंध सचिदेवी से है तो उसने क्या किया महाप्रभु के आविर्भाव से पहले की घटना है महाप्रभु अभी अवतरित नहीं हुए शिवास आंगन में नित्य निरंतर कीर्तन उच्च स्तर में हो रहा है महाप्रभु के आने से पूर्व भी वहां पर श्रीमद भागवतम का कक्षाएं रोज चल रही हैं और सारे वैष्णवों की वहां पर क्या हो रही है गोष्ठी हो रही है तो ऐसे स्थान पे श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर को डिफेम करने के लिए उनको मतलब बदनाम करने के लिए ये जो गोपाल चप्पल है ये क्या करता है कि जो भवानी की उपासना के जो सामग्री है उसे उनके घर के आगे उसे रख देता है और ठाकुर को डिफेम करने का प्रयास करता है लेकिन शिवास इतने साधु हैं, महाप्रभु ने बोलेंगे महाप्रभु आगे बोलेंगे कि मेरा जो कर्ज है वो केवल एक ही तरह उतर सकता है केवल आपके साधु स्वभाव से क्या साधु स्वभाव है शिवास ठाकुर का कि जब उनको आ, कलंकित करने का प्रयास किया गया तो वो जरा भी अनुद्विग्न भगवान बोलते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त है अनुद्विग्न बना सुखेश भयाक्रोधा स्थितधीर मुनि रुचते तो कोई दुख का उनके हृदय में कोई संता अनुद्विग्न मना, कोई विघ्न नहीं आया उन्होंने स्वयं ही पड़ोसियों को बुलाया और कहा कि देखो आप लोग समझते हो कि मैं विष्णु का उपासक हूँ कृष्ण का उपासक हूँ लेकिन मैं तो एक देवी का उपासक हूँ लेकिन किसी ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया लेकिन उस गोपाल चप्पल को क्या हो गया हाँ कुष्ठ रोग हो गया उसकी जो नाक है वो सारी तो दिखते नहीं कुष्ठ रोगी देखते हैं आप नहीं देखते हैं। लेकिन मैंने देखे हैं जब हम हाँ मैं जब बालक था तो हम वाराणसी में रहते थे और वाराणसी में जब आप गंगा के स्नान के लिए जाते थे तो आज से लगभग 30-35 वर्ष पूर्व तो वहाँ पे कुष्ठ रोगी रहते थे वो अंग क्या होता है ना जहाँ पे भी कुष्ठ रोग का प्रभाव होता है वो बॉडी का जो लिम्ब है या पार्ट है वो गल जाता है अगर जैसे उंगली में हो गया तो उंगली गल जाएगी नाक में हो गया तो नाक गल जाएगी बड़ा भयानक होता है तो इस गोपाल चप्पल की जो नाक थी वो गल गई और ना सिर्फ गलती है जहां गल जाती है वहां कुछ रोग के कुछ कीड़े होते हैं वो कीड़े भी पनप जाते हैं तो कहने का अभिप्राय यह है कि इतनी कठिन परिवेश था कि सब जगह से विरोध मिल रहा था और इनके नाम संकीर्तन और अद्वैताचार्य की हुंकार से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो गए फागुल पूर्णिमा के दिन और जब महाप्रभु अवतरित होते हैं तो शुरू के पहले वर्षों में वो क्या दिखाते हैं विद्याराविलास नव निमाई पंडित की भूमिका निभाते हैं और कोई भी उनसे तर्क करता है तो उसको बुरी तरह परास्त करते हैं उनको पूरी तरीके से प्रताड़ित करते हैं उनको लज्जित करते हैं इतना अपमानित करते हैं कि वो जिस रास्ते पे जाते हैं वो व्यक्ति उस रास्ते पे भी नहीं आता है <laughs> लेकिन प्रथम शिक्षा महाप्रभु को भक्ति की अगर किसी ने दी तो वो श्रीवास ठाकुर है इसका बड़ा सुंदर वृतांत आता है श्री चैतन्य भागवत में कि एक दिन श्रीवास पंडित उस राह पे जा रहे थे जिस राह से निमाई पंडित आ रहे थे तो जैसे ही निमाई पंडित ने देखा श्रीवास ठाकुर को तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया हाँ प्रणाम किया झुक के प्रणाम किया जब झुक के प्रणाम किया तो श्रीवास ठाकुर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी होए बोलो श्रीवास उदार श्रीवास ठाकुर ने कहा कि आप चिरंजीवी हो आशीर्वाद तो दे दिया और फिर उनको प्रश्न किया देखिए निमाई पंडित को उस समय प्रश्न करने की किसी की भी हाँ प्रतिभा नहीं थी <laughs> केशव कश्मीरी आया उसको भी ध्वस्त कर दिया किसी की भी सीमा नहीं थी लेकिन पहली बार उन्हें रोका ना सिर्फ रोका बल्कि उनको टोका क्या बोलते हैं शिववास कृष्णा भजीलो काला की कार्य गोनाऊ रात रात्रि निर्वादी के तो निमाई पंडित क्या बन गए हैं टीचर बन गए सबको परास कर चुके हैं टीचर बन गए हैं तो बोल रहे तुम कृष्ण का भजन तो करते नहीं तो तुम करते क्या हो रात्रि दिन निर्वाधि केनो पढ़ाऊ तो जो तुम पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो जो भी तुम विद्या अर्जन कर रहे हो उसका लाभ क्या है और निमाई को निमाई नहीं बोलते हैं वो क्या बोलते हैं <laughs> जैसे कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है ना भगवत गीता में तो कहां से शुरू होता है भगवान क्या बोलते हैं सबसे पहले भगवान मुख खोलते हैं तो अर्जुन को क्या बोलते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कुतस्ता कसमलम इदम विष्वय समुपस्थितम नारेजुष्ट अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना और क्या बोलते हैं पार्थ अर्जुन के बोलते हैं तुम नपुंसक हो हा यहा क्या बोल रहे हैं शिवास उद्दंड चूड़ामणि अरे सब तुमको पंडित बोलते हैं तुम पंडित पंडित कुछ नहीं हो तुम क्या हो उद्दंड हो लेकिन देखिए चमत्कार कि निमाय पंडित जैसे रिएक्शन करते हैं वैसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ हाँ वो बोलते हैं ओ बेस्ट ऑफ एरोगेंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं इसकी टीका में व्हाई वेस्ट टाइम तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो तो हम दिन रात ये जड़ विद्या का प्रचार कर रहे हो वास्तव में जो विद्या है विद्या का अर्थ क्या है भगवान की सेवा करना अगर आप नौवां अध्याय पढ़ेंगे भगवत में तो प्रभुपाद जी लिखते हैं नौवें अध्याय का शीर्षक क्या है परम गुह्य ज्ञान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कल्मिनेट्स इन डिवोशनल सर्विस तो अगर किसी को परम गुह्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो कैसे पता चलेगा उसके व्यवहार से उसके व्यवहार में क्या होगा भक्ति में प्रेम में सेवा तो ये पहली शिक्षा चैतन्य महाप्रभु को किसने दी श्रीवास ठाकुर ने और शिवास क्या बोल शिवास ठाकुर के इस आदेश का हाँ जरा भी विरोध नहीं किया निमाई ने वो क्या बोलते हैं तो कृपाया से हि निश्चित बोलते हैं क्योंकि आपने ये इच्छा जाहिर की है और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से मैं क्या कर सकूंगा मैं भक्ति कर सकूंगा तो जो भक्ति का इस चेतन लीला में बीज है वो किसने प्रदान किया है शिववास ठाकुर ने हाँ, तो ये इतना विशेष चरित्र है और फिर हम देखते हैं कि श्री जगन्नाथ मिश्र का हाँ अंतकाल हो जाता है वो गोलोक चले जाते हैं और निमाई कहाँ जाते हैं गया और गया से वापस होके परिवर्तित आते हैं तो जब निमाई गया से होके वापस आते हैं परिवर्तित आते हैं तो क्या हो गया वो निमाई पंडित का भेष समाप्त हो गया और वो क्या बन गए एक शुद्ध भक्त और कौन सा भाव आने लगा उनके हृदय में हाँ राधा भाव भावद्युती सुवलितम विरहा का जो भाव है उसका वो प्रकाश करने लगे तो उस विरहा भाव का जो सबसे पहले प्रकाश है उसके लिए जिन लोगों को आमंत्रित किया चैतन्य महाप्रभु ने उनमें श्रीवास ठाकुर है केवल चार लोगों को आमंत्रित किया हा? मैं बताऊंगा नहीं पढ़िए आप लोग आप पढ़िए उसका वर्णन चैतन्य भागवत में भी है और चैतन्य चरित में भी है तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के जो निवास है वहाँ पे उन्होंने अपने उस प्रेम के जो भाव का प्रकाश किया अपने अपने माध्यम से जो प्रेम का भाव का प्रकाश किया विरह भाव का हाँ उसका जो फर्स्ट विटनेस है वो कौन है शिवास पंडित तो इस प्रकार से शिवास पंडित की बहुत ही विशेष भूमिका है और इस भाव का जो प्रकाश किया महाप्रभु ने कौन सा भाव है ये साधारण भाव नहीं है कौन सा भाव है जो गोपियों का भाव है और गोपियों में भी जो सबसे विशेष श्रीमती राधा रानी का भाव है और राधा रानी के भाव में भी सबसे विशेष कौन सा भाव है आख्य भाव उस भाव को <coughs> केवल तीन ही लोग जानते हैं कौन कौन जानते हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी कृष्ण नहीं जानते दूसरा कौन जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जो प्रदर्शित करेंगे और तीसरे हैं श्रीपाद माधवेन्द्रपुरी तो श्रीवास आंगन का स्थान उन्होंने नियोजित किया जहां वो उस महाभाव का प्रकाश करेंगे और वो महाभाव का प्रकाश कैसे करते हैं अपने संकीर्तन लीला से संकीर्तन से ए माता निज घरे श्री सची नंदन निर्वादी करे ना कीर्तन प्रभु श्रीवासेरा घरे निरंतर रात्रि संकीर्तन कैला एक संवत्सर तो पूरी रात पूरी रात चेतन महाप्रभु संवत्सर संवत्सर का मतलब होता है साल पूरे साल हाँ हर दिन प्रति रात चेतन महाप्रभु संकीर्तन करते थे कहां पे क्लोज डोर्स में और वो स्थान क्या है शिवासांगन और जब वो संकीर्तन करते थे तो इन्विटेशन नहीं था लोगों को एंट्री नहीं थी हाँ क्यों क्योंकि संकीर्तन में कोई विघ्न ना डाल दे महाप्रभु का जो वो भाव का प्रकाश है उसमें कोई बाधा ना पड़े इसलिए एवरी वन वॉज नॉट अलाउड एवरी वन क्या बहुत थोड़े से लोग बहुत कम लोग वहाँ पे एंट्री मिलती थी तो वहाँ पे कई बार कई लोगों ने जाने का प्रयास किया लेकिन महाप्रभु ने किसी को अनुमति नहीं दी अब देखिए एक दिन श्रीवास ठाकुर की सास बोलती है मदर इन लॉ मदर इन लॉ अगर कोई डिजायर करे तो सन इन लॉ क्या मना कर सकता है हा? जो ग्रस्त भक्त हैं उनसे पूछे क्या क्या स्थिति होती है हा? अगर मदर इन लॉ बोले छोटा था बोले कि आप मुझे मंदिर ले चलो तो क्या आप कभी मना करोगे नहीं कर, कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं शिवाज ठाकुर के स्थान में और उनकी सास बोल रही हैं कि आप मुझे दर्शन करा दो तो शिवास ठाकुर ने क्या किया एक टोकरी में छुपा के उनको रखा लेकिन जैसे ही महाप्रभु ने कीर्तन आरंभ किया तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि आज मुझे आनंद के अनुभव नहीं हो रहा तो आप क्या करो कि यहां पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नहीं होना चाहिए तो वो व्यक्ति कौन था शिवास ठाकुर की सास महाप्रभु ने उसे भी निकाल दिया तो महाप्रभु के संकीर्तन में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आए हाँ इसका पूरा पूरा पूरा, पूरा दायित्व श्रीवास ठाकुर लेते थे और एक दिन क्या हुआ कि जब महाप्रभु का कीर्तन होना आरंभ होना ही था उसके थोड़े ही समय पूर्व जो तो चार भाई के बारे में वर्णन किया कौन कौन है चारों भाई का नाम याद हो गया श्रीवास श्रीराम श्रीपति और श्रीनिधि हाँ इन चारों भाइयों के बीच में केवल एक ही पुत्र का वर्णन आता है कि श्रीवास ठाकुर के एक पुत्र थे तो श्रीवास ठाकुर के पुत्र का क्या हो गया अकस्माक देहांत हो गया निधन हो गया और महाप्रभु रात्रि में कीर्तन कर रहे हैं तो जब वो कीर्तन कर रहे हैं और देहांत हो गया तो घर वाले क्या करने लगे जितनी माताएं हैं और छोटा परिवार तो है नहीं चार तो भाई हैं हाँ तो चार भाई का चार परिवार हो गया तो सब लोग अंदर घर में क्रंदन करने लगे तो जब वो क्रंदन करने लगे तो महाप्रभु को लगा कि कुछ घटित हुआ है तो उनको आनंद नहीं आया तो पता करने पे पता चला कि जो शिवास के पुत्र हैं, उनका अंत हो गया है लेकिन जब श्रीवास ठाकुर ने सुना कि उनके पुत्र का देहांत हो गया है तो वो अंदर गए अपने इनर चैंबर में आप देखते हैं ना आज की तरह घर नहीं होता है कि पहले स्त्रियां अंदर दूसरे कक्ष में रहते थे और पुरुष बाहर के कक्ष में रहते थे तो शिवासांगन काफी बड़ा है हुँ? अभी हम रहते हैं वहां पे ना देखा है शिवासागन उतना छोटा नहीं है जितना हम समझते हैं देखते हैं काफी स्थान है काफी बड़ा है वो पूरा कोटिया अद्वैत भवन और गदाधर भवन के साथ काफी बड़ा स्थान है तो अंदर जब वो गए तो उनकी पत्नी ने बताया कि आपके एकमात्र पुत्र का क्या हो गया अंतकाल हो गया और वो रोने लगी तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि रोना मत रोना बंद करो क्योंकि अभी क्या हो रहा है महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है बोली अगर तुम रोए या तुम्हारे रोदन की आवाज आई तो अभी तो तुमने पुत्र खोया है नहीं तो तुम अपने पति को खोदोगी मैं अभी जाके गंगा में समाधि ले लूंगा इतना कड़ा उनका डिसिप्लिन और संदेश खैर महाप्रभु को तो महाप्रभु तो अंतर्यामी है उनसे कोई चीज छुप सकती है संभव नहीं है तो जब महाप्रभु को पता चला कि शिवास के पुत्र का अंत हो गया है तो महाप्रभु ने कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तो बहुत विशेष शिक्षाएं हैं समय बहुत कम है लेकिन मैं उस शिक्षाओं को लेना चाहता हूं जो चैतन्य भागवत में लिखी गई हैं तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए शिववास ठाकुर से और उन्हें बोलते हैं देखिए क्या सेनापति जो महाप्रभु की जो लीला है महाप्रभु के प्राकट के समय सेनापति कौन थे और महाप्रभु के अप्रकट के समय सेनापति कौन है अप्रकट के समय तो हम जानते हैं सेनापति कौन है हाँ शिला शिलो प्रभुपात लेकिन प्रकट के समय कौन है ये बहुत सुंदर वृतांत चैतन्य भागवत में है उसमें बोल रहे हैं भक्त गणे सेनापति श्रीवास पंडित जगते घूषा को तमी तुम्हारा चरित्र महाप्रभु बोलते हैं शिवास पंडित को कि मेरे भक्तों के सेनापति कौन है शिवास पंडित और आपका जो यश है घोषुत्रिभुवाना जगते घोषी को आजी तुम्हारा चरित्र प्रपंच कर रक्षिणी माय तुम्हार हनी कबू गजाना बोलते हैं कि मैं आज डिक्लेयर करता हूं कि आपके निकट माया माया का जो प्रभाव है वो कभी भी नहीं आएगा धन जन देहा आमार अर्पिया आमार सेवाय सुख अच्छा सुख होया हम लोग गाते तो है मानस देह गेह जो कुछ मोर अर्पिलु लुतुआ पदे नंद किशोर हाँ, हमारी कोई भी चीज प्रॉपर्टी जिससे हमें प्रेम है अगर कोई मांग ले तो पता चलेगा <laughs> कितना अर्पुल है लेकिन इन चारों भाइयों में भी एक ही पुत्र था और उस पुत्र को उन्होंने क्या किया महाप्रभु के कार्य के लिए समर्पित कर दिया जब तो प्रभुपाद जी प्रचार करना शुरू किए तो वो भारतीयों के घर में जाते थे और बोलते थे कि आपके चार बेटे हैं चार बेटों में से एक बेटा मुझे दे दो मैं उसको भक्त बनाऊंगा और उसके द्वारा पूरे विश्व में प्रचार करूंगा किसी एक भी परिवार ने दिया अभी गुरु महाराज संडे को क्लास ले रहे थे राधा पार में गुरु महाराज क्या कह रहे थे महाराज कह रहे थे कि अभी तो भक्त भी अपने बच्चे नहीं देने को तैयार है <laughs> लेकिन शिवा ठाकुर तो बोल रहे हैं कि धन जन देह गेह आमार अर्पिया आमार सुख आछा सुख हो आप कि आपके लिए सबसे बड़ा सुख क्या है मेरा सुख ममल और आगे क्या बोलते हैं ममलीला पुष्टि लागी संसार सिखाई कुत जना तुम्हार आचार कि ममलीला पुष्टि लागी तुम्हार संसार तुमने जो संसार है तुम्हारा जो संसार है संसार क्या है गेहा गेह हा? ये धन यौवन पुत्र परिजन ये सब कुछ किस लिए है आमार लीला पुष्टि लागी मेरी जो लीलाएं हैं जो मेरा संकीर्तन विलास है उसको करने के लिए योर फैमिली लाइफ नरिशेज माई पास टाइम और क्या बोलते हैं महाप्रभु बहुत विशेष बात बोलते हैं सिखाई को ग्रस्त जाना तोमार आचार लेट ऑल हाउस होल्डर्स लर्न फ्रॉम योर बिहेवियर तो ये है शिला श्रीवास ठाकुर का शिक्षा आपानी आचारी प्रभु जीवे सिखाए महाप्रभु ने स्वयं क्या रोल लिया डिवोटी का क्या सिखाने के लिए डिवोशन और ग्रह जीवन में किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए इसकी शिक्षा देने के लिए महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं ज्यादातर कौन से आश्रम में है नित्यानंद प्रभु कौन से आश्रम में है ग्रह अद्वैताचार्य कौन से आश्रम में है महाप्रभु स्वयं कौन से आश्रम में थे ग्रस्थ और श्रीवास के आश्रम में है महाप्रभु के सारे पार्षद देखिए कितने पार्षद जाते थे नवदीप से जगन्नाथपुरी लगभग 200 हर साल 200 पार्षद जाते थे पहली बार 200 गए अगले साल 200 नहीं गए कितने गए हाँ वो 400 500 हो गए क्योंकि अगले साल उनकी भारिया और उनके बच्चे भी गए <laughs> तो वो एक्सपेंड हो गया तो इस प्रकार से जो फैमिली लाइफ है उसमें कैसे महाप्रभु की भक्ति की जानी चाहिए उसका जो आचार्य है वो कौन है श्रीवास ठाकुर और आगे क्या बोलते हैं तब प्रेम प्रेमी आमी नित्यानंद आमा दोहे सूत जानी भुंजन आनंद बोल रहे हैं आपने एक पुत्र खोया है बड़ी शिक्षाएं हैं उसमें काफी विस्तार से उसमें वार्तालाप में महाप्रभु उसको बुला लेते हैं और उससे प्रश्न भी करते हैं लेकिन जो मेन शिक्षा है महाप्रभु बोलते हैं कि आपके प्रेम से शिवास मैं और नित्यानंद दोनों बांधे गए हैं आज आपके प्रेम ने उन दोनों को बांध लिया है तो देखिए निश्चित रूप से ये नंद का आंगन है क्योंकि नंद के आंगन में माता यशोदा ने क्या किया कृष्ण को बांध लिया हल बंधन लीला है ना कृष्ण को कोई बांध सकता है तो यहां बता रहे हैं तब प्रेम बद आमी नित्यानंद आमा दोहे जानी भुंजना आनंद और मैं और नित्यानंद हम दोनों क्या बन गए हैं आपके सुत बन गए सुत का मतलब क्या है पुत्र बन गए यानी आप हमारे पिता हो माता हो और आप आनंद लो आगे बोलते हैं भक्ति तेतुमार रिनी आमी चिर दिने तव साधु भावे तुम्हें शव मोर ऋण कि आपकी भक्ति से मैं हमेशा ऋणी रहूंगा भगवान ने ऐसा किसको कहा किसको कहा कि मैं हमेशा ऋणी रहूंगा गोपियों को क्या है वो श्लोक पराए हम क्या है ना पा रहे हम तो शिवास ठाकुर को बोल रहे हैं कि भक्ति ते तुम्हारा ऋण आमी चिर दिने और इसका ऋण कौन उतार सकता है बोले मैं नहीं उतार सकता इसका ऋण कौन उतारेगा बहुत विशेष है बोले तब साधु भावे तुम्हें क्षमा मोरा ऋणे कि आपका जो साधु भाव है कौन सा साधु भाव है जो प्रेम सेवा का भाव है वो मुझे इस ऋण से मुक्त कर सकता है शिवा से प्रति रे र प्रसाद देखी असकल जन जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद बली नाचे घन घन तो चेतन महाप्रभु के इस प्रेम को और नित्यानंद प्रभु के इस प्रेम को देख करके जितने वैष्णव गण हैं वो किसकी जयकार करने लगे चेतन महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु की और श्रीवास की तो इस प्रकार से बहुत वर्णन है और नित्यानंद प्रभु थोड़ा सा दो तीन मिनट और ले लो नौ तो बज गया कि नित्यानंद प्रभु का मिलन महाप्रभु से हुआ नवदीप में जब संकीर्तन चालू हो गया जब कहाँ संकीर्तन शुरू किया शिवास आंगन में तो नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे थे 20 साल तक 20 साल से भ्रमण करके आ गए नवदीप में लेकिन आके छुप गए क्यों क्योंकि वो भगवान को टेस्ट करना चाहते थे कि वास्तव में ये वही जय ही गौरा से ही कृष्णा है या नहीं तो बोले अगर यही सही कृष्ण है तो मुझे ढूंढ लेंगे तो आके छुप गए कहाँ छुपे नंदन आचार्य के स्थान में और नंदन आचार्य के स्थान में जैसे ही आ गए तो महाप्रभु ने सबसे पहले किसको भेजा श्रीवास और हरिदास को कि बोले जाओ ढूंढ के लाओ वो तो घर घर जा रहे हैं सब जगह पता लगा रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं नित्यानंद प्रभु नहीं मिले तो महाप्रभु स्वयं अपने पार्षदों को लेकर नंदन आचार्य के स्थान में आते हैं लेकिन उस मिलन का क्या वर्णन करें मिलन में क्या होता है जैसे ही नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का मिलन होता है नित्यानंद प्रभु अचेत हो जाते हैं इतनी लंबी मूर्छा में चले जाते हैं महाप्रभु के कीर्तन करने पर भी वो वापस हाँ अपनी चेतना में नहीं आते हैं तो महाप्रभु श्रीवास को बोलते हैं श्लोका पढ़ी <laughs> तो भागवत का श्लोक पढ़ो और कौन सा श्लोक पढ़ते हैं वरहा पीड़म नटवर नहीं बढ़वा पीड़म नहीं है बढ़वा बर, पीड़म ही पढ़ते हैं भागवत में दिया उसका वर्णन है तो वो श्लोक पढ़ते हैं शिवास और ये श्लोक जैसे ही शिवास पढ़ते हैं नित्यानंद प्रभु अपनी मूर्छा से चेतना में आ जाते हैं और शिवास ठाकुर के घर में आके ही निवास करते हैं क्योंकि महाप्रभु का कीर्तन वही होता है और अवधूत है तो अवधूत का मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से बॉडीली कॉन्शियसनेस में नहीं है भक्ति स्थान महाराज ने कई व्याख्याएं की हैं कि अवधूत कौन है बड़ी लंबी व्याख्या है तो उसमें एक व्याख्या ये है कि अवधूत का मतलब क्या है नित्यानंद प्रभु कितने बड़े हैं महाप्रभु से बारह वर्ष बारह वर्ष बीस वर्ष तक तो उन्होंने भ्रमण किया जहां तक मुझे स्मरण हो सकता है गलत हो तो बारह वर्ष बड़े हैं और जब वो घर में रहते थे श्रीवास के तो अपने हाथ से चावल भी नहीं खाते थे वो किस भाव में रहते थे वात्सल्य भाव में और उनको नालिनी देवी खिलाती थी और वात्सल्य भाव इतना शुद्ध था कि नालिनी देवी उनकी एज समझिए महाप्रभु से तीस वर्ष बड़े हैं शिवास और महाप्रभु से 12 वर्ष ही बड़े हैं नित्यानंद तो कितने वर्ष बड़े हो गए 28 वर्ष पिता की उम्र के हो गए ना तो उनके स्तन से दुग्धपान करते थे नित्यानंद प्रभु इतना विशेष भाव बिल्कुल वात्सल्य भाव अब देखिए नंद भवन में कृष्ण ही नहीं रहते ना कृष्ण के साथ और कौन रहते हैं बलराम भी रहते हैं वहाँ रोहिणी भी है तो इस प्रकार से जो शिवास आंगन है बहुत विशेष है और उसके अलावा वहां पे महाप्रभु ने पहली बार हाँ महाप्रभु की हम आ, प्रणाम मत कहते हैं नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदाय तो पहली बार किसी को प्रेम प्रदान किया शिवास आंगन में वो भी शिवास की जो भतीजी हैं नारायणी को कृष्ण प्रेम का जो फर्स्ट रेसिपियंट है वो कौन है नारायणी देवी जो कि शिवास की भांजी है और महाप्रभु की जो महाप्रकाश लीला है तो इस प्रकार से जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपनी सबसे सुंदर लीलाएं कहाँ पे की नंद भवन में उस प्रकार से महाप्रभु ने अपनी सारी लीलाएं कहाँ की शिवास में तो बहुत ग्लोरी है और महाप्रभु जब संन्यास लेके चले गए तो इतना विराह हुआ शिवास ठाकुर और उनके परिवार को कि उस विराह को वो सहन नहीं कर सके उन्होंने नवदीप छोड़ दिया और कहाँ चले गए कुमारहट चले गए नित्यानंद प्रभु की निष्ठा देख करके एक दिन महाप्रभु ने उनसे प्रश्न किया महाप्रभु ने कहा कि अरे श्रीवास तुमने किसको अपने घर में रख रखा है हाँ ऐसे अवधूत को घर में रखा हुआ है जिसके उस धर्म का पता नहीं जिसकी जाति का पता नहीं जिसके कुल का पता नहीं और तुम तो बड़े कुलीन हो हाँ तुम वैदिक ब्राह्मण परिवार से हो जलधर पंडित के परिवार से हो ऐसे व्यक्ति को रखोगे तो तुम्हारी सारी जो ब्राह्मण की जो प्रतिष्ठा है नाश हो जाएगी लेकिन श्रीवास ने कहा कि मेरा आप परीक्षा मत लीजिए प्रभु आप मेरी परीक्षा मत लीजिए वो बोलते हैं कि यदि नित्यानंद अगर मदिरा मदिरालय में भी जाए या अगर वो वैश्यालय में भी जाए तो भी मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि नित्यानंद प्रभु क्या है आपका दूसरा देह है और मेरी निष्ठा उनके प्रति कभी विचलित नहीं होगी तो ये जब सुना चेतन महाप्रभु ने चेतन महाप्रभु बोले बहुत बहुत अच्छा है प्रभु बोले की बोली बा पंडित श्रीनिवास नित्यानंद प्रति तोरा ऐता विश्वास कि तुम्हारा इतना विश्वास है नित्यानंद प्रभु के प्रति मोरा गोप्य नित्यानंद जानी लसु तुम्हें तुम्हारा संतुष्ट होया वर दिया तो बोलते हैं मैं इतना संतुष्ट हूं कि मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं अब देखिए क्या वर देते हैं यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगर नगरे तथा दरिद्र तोरा नहीं बेक घरे बोले हो सकता है ऐसी स्थिति आए कि लक्ष्मी को जाके भिक्षा करनी पड़े लेकिन तुम्हारे घर में कभी दारिद्र नहीं होगा और ये पहला बेनिडिक्शन दिया दूसरा बोल रहे हैं विदल कुकुर आदि तुम्हार बधिरा भक्ति होरा बोले शिवास तुम तुम्हारा परिवार तुम्हारे दास दासी दास दासी छोड़ो तुम्हारे घर में जितने कुत्ते और बिल्ली भी है उन सब को मेरा प्रेम प्राप्त होगा <laughs> तो जब आप ये चेतन चरितमित का जो ये दसवां अध्याय है आदि लीला का जिसमें प्रभुपा जी अपना पहला ही तात्पर्य देते हैं उसमें प्रभुपा जी ये लिखते हैं कि शिवास ठाकुर के घर के कुत्ते तथा बिल्लियों को भी मोक्ष प्राप्त हो गया बिल्लियों तथा कुत्ते अन के भक्त बनने की आशा नहीं की जाती किंतु शुद्ध भक्त की संगति से इनका भी उद्धार हो जाता है तो यह है श्री शिवरास ठाकुर का चरित्र कौन सा वर्ष है वर्हा ठीक है और उसके बाद एक और वर देते हैं देखिए सबसे बड़ा गिफ्ट देते हैं क्या गिफ्ट देते हैं <San> नित्यानंद सर्वमते पाने कि मैं किसे समर्पित कर रहा हूं तुम्हें नित्यानंद को दे रहा हूं मैं अपने हृदय अपने हृदय नित्यानंद को तुम्हें सौंप रहा हूं नित्यानंद लो और सर्वमते समर्वर करीबा और सब प्रकार से आप इनकी सेवा करो तो ऐसे हैं शीला श्रीवास पंडित का चरित्र लेकिन महाप्रभु के विरह में उन्होंने नवदीप तो छोड़ दिया कुमारहट चले गए लेकिन हर वर्ष वो महाप्रभु से मिलने कहाँ जाते थे जगन्नाथपुरी और देखिए दोनों अद्वैत प्रभु और शिवास ठाकुर दोनों हालांकि एक और ब्लेसिंग्स देते हैं जब वो कुमारहट जाते हैं तो महाप्रभु ब्लेसिंग देते हैं कि अद्वैत को और आपको कभी ओल्ड एज नहीं होगी इसलिए दोनों क्या है प्रमुख नर्तक है महाप्रभु की जो सात टोलियां हैं जगन्नाथपुरी में उनमें लीड डांसर कौन है एक में अद्वैत प्रभु हैं और दूसरे में शिवास हैं और जब महाप्रभु नृतन करते हैं तो प्रताप रुद्र पीछे से देख रहे थे और शिवास ठाकुर आगे खड़े हुए थे तो जो उनका मंत्री है हरिचंदन वो शिवास को थोड़ा साइड कर रहा था ताकि महाराज प्रताप रुद्र देख सके और शिवास ठाकुर को गुस्सा है और उन्हें उठा के एक चपत लगा दी <laughs> और हरिचंदन कुछ रिएक्ट करता प्रताप रुद्र सामने आ गए और बोले तुम बड़े ही भाग्यवान हो कि तुम्हें ठाकुर जैसे महाभागवत का प्रसाद मिल गया ये प्रसाद तो मुझे मिलना चाहिए <laughs> तो आज के दिन हम श्री शिवास ठाकुर से यही प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा मानस देह गेह जय कुछ मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर तो ये भावना हमारे हृदय में आए और हम भी उनके दिए गए पदचनों पर भक्ति करने का प्रयास करें शिला प्रभुपाद जी द्वारा और जिस प्रकार से शिला गुरुदेव ने हमें दिए शिला शिव ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जाय शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जाए शिला प्रभुपाद की जय उपस्थित सभी भक्त बिंदु की जाए गौर प्रेमानंदी हरे हरिभोज पांडव प्रेम प्रभु की जय